सुधीर एंड यू आर वॉचिंग टू माई चैनल सुधीर म्यूजिकल गाइज। सो गाइज, मैं आपके लिए एक नई वीडियोज लेके आ गया हूँ। देखिए, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं गाइज, और एक क्वेश्चन मुझे बहुत आ रहा है गाइज, क्योंकि कुछ व्यूवर्स के जो स्केल्स वगैरह होते हैं गाइज, वो समझ नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैं कोई रागाज वगैरह बताता हूँ, तो उसमें किसी को कन्फर्म नहीं होता है कि मैं, जैसे कि आपको सी से बताता हूँ कि सी स्केल से बजाना चाहिए या कौन से स्केल से बजाना चाहिए, ये यहीं से ही बजता है राग। ऐसे बहुत से क्वेश्चन के आंसर हैं जो कि मैं इसमें आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा गाइस, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह में बार बार यही आ रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम पे मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। गाइस, यदि कोई इस वीडियो पर नया है तो मेरे रागाज वगैरह प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैंने बहुत रागाज वगैरह गिटार पे बता रखे हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं गाइज। तो गाइज, मैं जैसा कि टॉपिक पे आता हूँ अपने, मैं बता रहा हूँ आपको इसमें कि स्केल्स वगैरह समझ नहीं आ रहे, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा, और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, लास्ट में मैं आपको ऐसा एक फंडा बताने जा रहा हूँ जो आप रागाज वगैरह आराम से स्केल से एक राग को कैसे अलग अलग स्केल्स में प्ले करते हैं, तो मैं तरीका बता दूंगा गाइस। तो जैसे सी का है, डी का है, डी शार्प का है, ई का है, एफ का है, कोई सा भी स्केल हो गाइस, तो आप उसमें एक ही राग को प्ले कर सकते हैं, और वो लास्ट में मैं तरीका बताऊंगा गाइस, एक स्टाइल बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं इसमें आपके क्वेश्चन की जो आंसर है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी गाइस। तो गाइस, देरी ना करते हुए चलते हैं लेसन की ओर गाइस। गाइस, मैं जैसे कि मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ बड़े ही कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि सर जरा हमें ये बताइए कि जैसे कि मैं आपको सी मेजर स्केल से, सी मेजर स्केल से हर एक राग को बताता हूँ गाइस। मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, मैं सी से इसलिए बताता हूँ गाइस कि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जैसे कि एक सी का ही स्केल एक ऐसे स्केल होता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है गाइस, एक ऑक्टेव के अंदर यानी कि सप्तक के अंदर 12 कीज होती है गाइस। एक स्केल ऐसा है ये सी का जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। तो गाइस, इसके बारे में यदि पूरी डिटेल चाहिए तो कोई कॉमेंट करेगा, मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि क्यों नहीं होता है। तो आप इसे नेचुरल स्केल भी कह सकते हैं जिससे अदर और स्केल जनरेट होते हैं। तो गाइस देखिए, जैसा कि मैं आपको सी मेजर से बता रहा हूँ, तो आज भी सी मेजर का ही एक एग्जांपल लेते हैं, और मैं आपको तरीका एक ऐसा बताऊंगा गाइस बाद में वीडियो के लास्ट में कि आप हमेशा कोई भी राग प्ले कर लेंगे और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। रिसेंटली एक वीडियो पे मेरे कमेंट किया है भाई ने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरी वीडियोस को बड़े ध्यान से देख रहे हो आप, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगा गाइस। तो देखिए, मैंने राग भोपाली जो बता रखा है गाइस, और को बता दूँ गाइस, ये जो राग भोपाली है ये इंडियन क्लासिकल में राग भोपाली, और वेस्टर्न में इसको आप पेंटाटोनिक स्केल कहते हैं। तो गाइस, जो पेंटाटोनिक स्केल आप प्ले करते हो गिटार पर, कुछ जो भाई लोग गिटार बजाते हैं, जो व्यूवर्स हैं या अदर और भी पर्सन हैं, वो गिटार तो बहुत अच्छा बजाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि पेंटाटोनिक स्केल को जो इंडियन क्लासिकल में हम क्या कहते हैं गाइस। इंडियन क्लासिकल में हम इसे भोपाली राग कहते हैं। तो जैसे कि पेंटाटोनिक स्केल आपको पता है माइनर होता है, मेजर दोनों होता है, तो गाइस ऐसे ही सेम होता है ये भी। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ भोपाली राग बता रहा हूँ मेजर स्केल से, या पेंटाटोनिक मेजर स्केल आप इसे कहेंगे, एक ही बात है गाइस। तो अब देखते हैं पेंटा क्यों कह रहे हैं। पेंटा का मतलब होता है गाइस 5 नोट, जैसे कि आपने पेंटागन सुना है, पेंटा का मतलब क्या होता है 5 नोट, यानी सारे गामा पा धा नि सा देखते हैं, कम से कम कितने गाइस कितने हो सकते हैं, 7 स्वर होते हैं गाइस सारे गाँव पता नहीं, तो जो 8वां होता है फिर सा आ जाता है गाइस, तो
एक बात हमेशा समझिए गाइस, ये पांच नोट के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो यानी कि स्केल में से क्या करना है, जो सारे गामा पा धा नि सा है, कौन कौन से दो स्किप करने हैं नोट, कौन से करने हैं गाइस। देखिए, एक तो गाइस पहले स्केल देखते हैं, ये सी कोड, मैं पहले अभी लॉग टाइप से आपको बता रहा हूँ, फिर मिडिल से भी बताऊंगा। ये पहले स्केल प्ले कीजिएगा सी का, सा रे गा मा पा धा नि सा नि गा पा मा गा रे सा। तो गाइस ये सी का मेजर स्केल है, ये सी का क्या है गाइस, मेजर स्केल। तो मेजर में से कौन से दो नोट हटाने हैं गाइस, एक तो सा रे गा मा को स्किप करना है गाइस, मा नहीं लगाना है, तो सा रे गा पा, और एक नी नी लगाना गाइस, धा सा। तो गाइस दो नोट स्किप किए हैं, कौन से, एक तो माँ को स्किप किया है यानी को हटा दिया है, एक तो माँ को हटा दिया गाइस, और एक किसको हटा दिया गया, नी को। तो गाइस एक माँ स्किप है हटा दिया है, और एक नी स्किप है हटा दिया है, तो कितने नोट रह गए, फाइव। तो क्या बन गया गाइस, मेजर पेंटाटोनिक स्केल, राग भोपाली या राग भूप एक ही बात है गाइस। देखिए, सा रे गा पा धा सा गा पा गा रे सा गा पा धा सा। ये गाइस इसका राग भूप का कुछ इस प्रकार से चलन है। तो पेंटाटोनिक की स्केल भी अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा ही प्ले होता है गाइस। तो गाइस आपको समझ आ रहा होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं गाइस, ये बजाते कैसे हैं। ये सबसे ज्यादा चलन का स्केल है पेंटाटोनिक स्केल, आपने हर एक ने सुना होगा, क्या आप पेंटाटोनिक स्केल प्ले करना जानते हैं। तो गाइस यस, आप जानते हो पेंटाटोनिक स्केल जो होता है वो राग भोपाली होता है गाइस। आइए समझते हैं, मैंने बता दिया पांच नोट, तो ये पांच नोट गाइस जैसा कि सा रे गा पा धा सा सा गा पा गा रे सा धा पा धा सा, ये राग भोपाली का कुछ इस प्रकार से चलन है गाइस। तो यदि अगर हम इसे फील्ड में बजाते हैं तो गाइस, अब फीलिंग्स से आपको पता लग रहा होगा कैसा ये चलता है। तो गाइस इसे ऐसे में, तो गाइस अब ये मैं यहां पे कैसे ले आई, एक्चुअली मुझको ये सी से पता है हर एक जगह से कि ये किस प्रकार से प्ले होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, आपका मेन जो मोटिव है वो ये है। देखिए गाइस, पहले सी का स्केल सा रे गा मा पा धा नि सा मैंने बताया हुआ है, चार पोजीशन सी की सारे फ्रेट बोर्ड पर। तो आप क्या कीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाएगा, फोर पोजीशन का लेसन देखिएगा गाइस, लर्न कीजिएगा, याद करना पड़ेगा स्केल आपको, सी का स्केल अलग अलग जगह पर प्ले करना। जैसा कि रैंडमली मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से प्ले करना है। देखिए गाइस, सा रे गा मा पा धा नि सा, अब ये सा आया है, फिर यहाँ से सा रे गा, तो आवाज मैच नहीं होगी गाइस क्योंकि बारीक आवाज है ऊपर जा रही है, तो आप सुन के जज कर सकते हैं। तो गाइस ये यहाँ पे आ गया नोट, फिर गाइस, तो गाइज मुझे ये सारे पे सी मेजर स्केल प्ले करना पता है। ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे कि सी नोट लिया है, सी का नोट ये, तो यहाँ से रन करना है सा रे गा मा पा धा नि सा, अब ये आ गया, मान लिया तो नीचे को चल रहे, अब ये आ गया, क्योंकि नीचे आगे भी जा सकते थे, इधर इधर भी आ सकते, अब यहाँ से नीचे को चले जाओ चाहे ऊपर को आ जाओ, तो नीचे को,
तो गाइज मैंने ये बताया हुआ है, आप सोचेंगे सर बहुत जल्दी बता रहे हैं, मैंने इसका लेसन बनाया है फोर पोजीशन सी मेजर स्केल से, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, आप उस लेसन को देख सकते हैं। स्केल क्लियर? तो ऐसे ही क्या करते हैं, पेंटाटोनिक स्केल के लिए भी क्या करेंगे, जैसे सी का स्केल, ये सी वाले कोड का स्केल, तो अब ये वाला सी आया एक, मैं जिससे हमेशा आपको बताता हूँ, तो एक गाइस सी ये है, और गाइस एक सी ये है, ये डी की शेप का है आपका। शेप्स वगैरह पे भी मैंने लेसन बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, तो अब मैं क्या करूँगा, सारे गापा धसा आपको हिंदी में बता के प्ले करना बताता हूँ। पहले मैं आपको तीन ऑक्टेव में बता रहा हूँ, इसमें गाइस आप समझ जाएंगे थ्योरी कैसे चलता है, क्योंकि यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लो से बजाएं, मिडिल से बजाएं या हाई से। भाई एक राग को आप सभी स्केलों से बजा सकते हैं, आप ये दिमाग में साफ कर लीजिएगा अपने को, सारे स्केल फ्लैट बोर्ड पर क्लियर आने चाहिए, तब आप रागास वगैरह अच्छे से बजा पाएंगे। समझ रहे हो भाई? देखो मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ये मैंने क्या कहा है, पांच नोट लेने हैं सारे गापा धसा, तो स्केल से क्या लेंगे, सारे गापा धसा। अब मैं यहाँ से अगर इसे बजाऊँ गाइस, क्योंकि ये सी नोट है, मैंने बताया है दूसरे ऑक्टेव का, तो सारे गापा धसा सा धा पा गा रे सा, तो गाइस बजाएंगे वही दो नोट इधर छोड़ने हैं, वही दो नोट इस स्केल पे छोड़ने हैं, वही दो नोट इस स्केल पे छोड़ने हैं, वही दो नोट इस स्केल पे छोड़ने हैं। समझ रहे हो गाइस? देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, सारे गा पा धसा, तो ये आ गया, फिर यहाँ से सारे सारे गा पा धसा, फिर यहाँ से देखिए गाइस, तो गाइस आप सुन के जज कर पा रहे हो, सा रे गा पा धा सा सा धा सा धा पा गा रे सा। तो गाइस मैं क्या बजा रहा हूँ, हर एक स्केल से सारे गा पा धा सा सारे गा पा धा सा सारे गा पा धा सा, एक एक नोट बता सकता हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका देखिए, सारे गा पा धसा, अब गाइस ये सा आ गया, फिर यहाँ से सारे गा पा धसा, तो गाइस अब ये सा आ गया, तो यहाँ से सा दा पा गा रे सा, आगे निकालना सारे सारे गा पा धसा। तो समझ आ रहा होगा गाइज आपको, तो क्या करना है, सभी जैसे मैंने बताया सरगम में से सारेगा पा धसा, इस सरगम में से भी सारेगा पा धसा, इस सरगम में से भी सारेगा पा धसा, यहाँ से मैंने उल्टा लिया है, क्योंकि गाइज इधर जाना पड़ता, वरना ये एक स्ट्रिंग बजती है नीचे यहाँ से, तो यहां से क्या करेंगे, सा दा पा गा रे सा दा पा गा रे सा। तो इसमें क्या चल रहे हैं गाइस, ऊपर को चल रहे हैं, क्योंकि इधर जगह नहीं है, एक ही नोट है, जा सकते हैं ये सिंगल स्ट्रिंग पे, तो इसलिए हम ऊपर को चल रहे हैं, तो ऊपर को चलो चाहे नीचे को चलो, इधर को चलो इधर को चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस,
आपको स्केल्स सारे क्लियर होने चाहिए, मेजर स्केल और माइनर स्केल, दो स्केल ऐसे हैं आपको कंफर्म आने चाहिए गाइस, समझ रहे हैं गाइस। तो अब पेंटाटोनिक स्केल को कैसे प्ले करते हैं, सारेगा पा धा सा ही प्ले कर रहा हूँ और फील देखना गाइस इसका। गाइस कंफ्यूजन दूर हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ एक दूसरे से स्केल को क्या कर रहा हूँ गाइस कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सरगम में से सारेगा पा धा सा कोई भी हो। तो गाइस मैंने बताया था आपको, मैं लास्ट में एक आपको टिप्स दूंगा। तो अब गाइस बाहर रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बाहर को थोड़ा जैसे कि डॉगी वगैरह भौंक रहे हैं तो उसको माइंड मत कीजिएगा, आप फोकस कीजिएगा बस लेसन पर। आप हमेशा याद रखें एक ये टिप्स मेन है, देखिए शेप्स वगैरह होती हैं, आपको पता है कि जैसे कि ये क्या है, सी की शेप्स है, सी ये वाली है सी की। तो गाइस मान लीजिए मैं ये वाला स्केल डी से प्ले करता हूँ, ये डी नोट है, कैसे है गाइस ये सी सी शार्प डी, तो ये डी का नोट है। तो डी से मुझे क्या प्ले करना है गाइस, सारे गा पा धा सा ही, पहले डी का स्केल आप निकालेंगे, कैसे सारे निकल गया गाइस, सुन रहे होंगे आप, सारे गा मा मा धा नी सा गा रे सा। तो गाइस राग कोई भी हो, आप लो टेम में प्ले करें, मिडिल में प्ले करें, लो टेम में प्ले करना सीखे, मिडिल में सीखे, हाई में सीखे। तो गाइस इनको हिंदी में सप्तक कहते हैं, सप्तक हर एक आना चाहिए आपको प्ले करने का गाइस, राग हो स्केल हो कुछ भी हो गाइस, ये मेन टिप्स है। देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ डी का स्केल है, अब मुझे इसमें क्या बजाना है, पेंटाटोनिक बजाए यानी कि सारेगा पा धा सा। तो हमें मुझे क्या करना है, सारेगा पा धा सा निकाल लें, सारे गा पा धा सा, तो डी से निकल गया गाइस, तो क्या आ गया होगा ये डी का भूपाली राग हो गया। सी से करता तो सी का भूपाली राग। अब ऐसे ही गाइस शार्प नोट से भी ले सकते हैं, जैसे कि डी शार्प नोट है ये वाला सी, ये जैसे कि है ये डी डी शार्प, तो इससे क्या करें वही सरगम निकालनी है सारे सा। तो वही फिर राग भोपाली के नोट फाइव, कैसे सारे सा। तो गाइस ये क्या हो गया, ये लॉक टेव का आया ऊपर, तो क्या हो गया गाइस जी ये डी शार्प का क्या हो गया, डी शार्प में क्या बजा रहा हूँ, राग भोपाली या पेंटाटोनिक स्केल मेजर, समझ आया गाइस थ्योरी। ऐसे ही क्या करेंगे, मान लीजिए डी से मुझे प्ले करना है नीचे तक, तो कैसे करेंगे गाइस, ये डी का हो गया गाइस, डी से क्या बजा रहा हूँ, पेंटाटोनिक स्केल बजा रहा हूँ डी नोट से, सिंपल। देखिए एक बार और डी नोट से बजा रहा हूँ गाइस, ये किसका है, ये डी का पेंटाटोनिक स्केल है गाइस। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, यदि अभी भी आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा गाइस, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझको, कोई भी रागास वगैरह पूछ सकते हैं गाइस। तो देखिए गाइस इतना शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो गाइस यदि किसी भाई ने इस लेसन से कुछ सीखा है तो गाइस लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब, और गाइस आप एक लाइक तो मेरा बनता ही, आप लाइक कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस थैंक यू।